नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मतदान का समय नजदीक आने के साथ ही अब चुनावी प्रचार जोर पकड़ने लगा है। 7 सीटों की अगर बात की जाए तो सबकी नजरें इस समय 3 सीटों पर सबसे ज्यादा टिकी हुई है, जिसमें खींवसर, देवली उनियारा और झुंझुनू की सीट है। इसके साथ ही रामगढ़ सीट पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की साख भी दांव पर लगी हुई है। ऐसे में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव इस समय तीसरे मोर्चे के साथ ही निर्दलीयों ने काफी रोमांचक बना दिया है। देश में 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और इस वक्त महाराष्ट्र पर होने वाले चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हुई है। तो वहीं अब महाराष्ट्र चुनाव से पहले कांग्रेस मोदी सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस ने मोदी सरकार की आयात निर्यात नीति को लेकर बड़े सवाल खड़े किए हैं। साथ ही मोदी सरकार पर किसानों के साथ धोखा करने के आरोप भी लगाए गए हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके साथ ही 23 नवंबर को मतगणना होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म होने जा रहा है। नवंबर का महीना शुरू होने के साथ ही अब प्रदेश में मौसम में राहत की उम्मीद भी लोगों को है। अक्टूबर के पूरे महीने में प्रदेशवासियों को गर्मी ने सताया, तो वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी भी एक सप्ताह और प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने के साथ ही दिन में हल्की गर्मी लोगों को सताती हुई नजर आ सकती है। हालांकि नवंबर के दूसरे सप्ताह में मौसम बदलने के साथ ही दिन में सूर्य की तपिश कम होने के साथ ही तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। राजस्थान की पर्यटन ने वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के सिविल लाइन स्थित आवास पर दिवाली स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दिया कुमारी के विधानसभा क्षेत्र के साथ ही भाजपा कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में दिवाली स्नेह मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान दिया कुमारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी को मिलकर काम करने होंगे, इसके साथ ही प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। भाजपा सरकार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और आगामी समय में पर्यटन को पंख लगेंगे। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 1 में 50% महिला आरक्षण का विरोध जारी है और लंबे समय से सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से मांग पर कोई ध्यान नहीं दिए जाने के चलते एक बार फिर से प्रदेश के युवा आंदोलन की राह पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। महिला आरक्षण के विरोध में इस समय सोशल मीडिया पर 4 नवंबर को जयपुर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जयपुर में एकत्रित होने का आह्वान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई मांग उठाई जा रही है तो वह है एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग। साल 2021 में 859 पदों पर आयोजित हुई एसआई भर्ती को रद्द करने की मांग पिछले 3 सालों से उठ रही है और इस मांग का नेतृत्व कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही इस भर्ती की जाँच में कई ऐसे मामले सामने आए जिससे इस भर्ती पर बड़े सवाल खड़े किए। इसके साथ ही करीब 50 से ज्यादा थानेदारों की गिरफ्तारी के बाद इस भर्ती को रद्द नहीं किए जाने पर युवाओं में भारी आक्रोश है। प्रदेश के युवाओं की ओर से एक बार फिर से एक बड़े प्रदर्शन की रणनीति तैयार की जा रही है और जल्द ही जयपुर में एक बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। खाद्य विभाग की ओर से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए सीडिंग अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें राशन डीलर को गेहूँ वितरण से पहले LPG की 17 अंकों की ID की सीडिंग करनी होगी। रसोई गैस सिलेंडर को 450 रुपए में उपलब्ध कराने की योजना का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, BPL परिवारों को मिलने वाला लाभ, खाद्य सुरक्षा के चयनितों को भी बजट घोषणा 2024-25 के अनुसार दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सितंबर 2024 से सभी NFSA पात्र परिवारों को दिया जाएगा। राजस्थान में आगामी 13 नवंबर को 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में कुल 69 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। इसमें से 59 पुरुष और 10 महिला प्रत्याशी शामिल हैं। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख को 10 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस ले लिए, जबकि पहले ही 5 अन्य प्रत्याशी अपना नाम वापस ले चुके थे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार दौसा और खींवसर विधानसभा क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा 12-12 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 6 प्रत्याशी सलुम्बर में हैं। इसके अतिरिक्त झुंझुनू में 11, रामगढ़ और चौरासी में 10-10 और देवली उनियारा में 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच चले आ रहे वार पलटवार में अब राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत भी शामिल हो गए हैं। गहलोत ने केंद्र सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया है।
गहलोत ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान में भाजपा सरकार के कांग्रेस सरकार की ओर से सभी योजनाओं को बंद कर दिया गया या कमजोर कर दिया, जिससे जनता में तीखी प्रतिक्रिया हो रही है। आपको राजस्थान के लोगों के बीच एक अध्ययन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हमारे घोषणा पत्र के अनुसार लागू की गई कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के कारण लोगों को कितनी पीड़ा है। पावटा कस्बे के निकटवर्ती सुजात नगर में एक विवाहित महिला की संदिग्ध मृत्यु के मामले को लेकर पीहर पक्ष के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं गुरुवार को पावटा SDM कपिल उपाध्याय व थाना अधिकारी राजेश मीणा ने कोटपुतली के BDM अस्पताल पहुंचकर शव का मेडिकल पोस्टमार्टम करवाया। शव ससुराल पक्ष वालों को सौंप दिया, जिसको लेकर विराटनगर वृत्ताधिकारी शिप्रा राजावत मामले के जांच कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान जारी कर दिया है। गुरुवार को सुजात नगर में मौके पर वृत्ताधिकारी शिप्रा राजावत, थाना अधिकारी राजेश मीणा ने घटना स्थल पहुंचकर घटना के साक्ष्य उठाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।